नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर एग्जाम गुरु जी यूट्यूब चैनल पे। और आपका आज PSEFO मेंस का पेपर हो चुका है। आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। और आज हम यहाँ पे फिर से बातचीत करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में। वो वैकेंसी भी आज पता चली है, तो सोचा अपने ग्रुप के और यूट्यूब चैनल पर इसको सेंड करते हैं, जिससे कि बहुत सारे एग्रीकल्चर जो एस्पिरेंट हैं उनको कुछ बेनिफिट हो सके। तो ये वैकेंसी जो है फ्रेंड्स, ये आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन की है और यहाँ पर इनकी पोस्ट जो है, ये वैकेंसी रिलीज हुई थी 29 दिसंबर को 18 में, लेकिन अभी इसकी टाइम बच रही है, तो प्लीज़ आप इसको जल्दी जल्दी फॉर्म फिलअप कर लेंगे। ये ऑफलाइन मोड से फॉर्म इसकी जाएगी, तो हम आगे इसका डिटेल देखेंगे। ये इसी पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई, लेकिन हम लोग को एग्रीकल्चर के पोस्ट पर जाना है, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं एग्रीकल्चर के पोस्ट पर। यहाँ पर वैकेंसी फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के बारे में यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। आप यहाँ पे पोस्ट का नाम देख सकते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। जो टोटल पोस्ट है वो 115 पोस्ट, और जो 33 पोस्ट है वो रिजर्व्ड है फीमेल, रिजर्व फॉर वुमेन, या RFW जो दिया हुआ है रिजर्व फॉर वुमेन के लिए, ये रिजर्व है। तो यहाँ पे 60 पोस्ट देखिए ओपन कैटेगरी की है, जो हमारे असम के कैंडिडेट हैं, असम के एस्पिरेंट हैं, उनके लिए तो ये जो कैटेगरी है वो लागू होगी। बट जो हमारे असम के बाहर के जो भी कैंडिडेट हैं, वो उनको कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा, तो वो जनरल कैटेगरी में अपना स्थान ग्रहण करेंगे, अपना सीट पक्का करेंगे। ये पब्लिक सर्विस कमीशन की है, जो भी UPSC के प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे एस्पिरेंट, या फिर एग्रीकल्चर का ऑप्शनल पेपर रख के यदि वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए वैकेंसी काफ़ी अच्छी हो सकती है, काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है वैकेंसी। और जहाँ तक सैलरी की बात कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो सैलरी का अलाउंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो आप यहाँ पे जो पे ग्रेड है वो काफ़ी बेटर है और भी वैकेंसी से, जैसे बैंक की होती है उससे ज़्यादा बेटर है। एज का जो जहाँ तक बात है, एज 21 ईयर से 38 ईयर की बीच में लिया गया है, जो काउंट होगा 1/1/2018 से, 1/1/2018 को आपको 21 ईयर्स हो जाना चाहिए। जो आपका रूल लागू है एज रिलैक्सेशन का, तो ये यहाँ भी लागू होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जहाँ तक हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कैंडिडेट को मस्ट हैव यहाँ पे पास होना चाहिए BSc एग्रीकल्चर, या डिग्री डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट टू BSc एग्रीकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ आसाम। यहाँ पे जो आसाम की जो गवर्नमेंट है वहाँ से भी इनके रिकॉग्निशन होना चाहिए। ये जो आपको जो फॉर्म भेजना है उनके साथ अटैच करना है सेल्फ अटेस्टेड वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जो भी आपको फॉर्म भेजना है वहाँ पे ऑफलाइन मोड से आपको भेजना है, तो वहाँ पे आपको ये देना पड़ेगा। ये फिर वैकेंसी दूसरी चीज़ की है, तो हम लोग अब बात करेंगे एजुकेशनल लिंक हाउ टू अप्लाई के बारे में। तो आपको जो फॉर्म फिलअप करना है वो क्लियरली रिटेन बोर्ड लेटर में होना चाहिए, और एनवेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एंड इट शुड बी एड्रेस्ड टू द डिप्टी सेक्रेटरी APSC जवाहर नगर खानपारा गुवाहाटी, ये नाम से आपकी फॉर्म वहाँ पे पहुँचेगी। तो फॉर्म भी हम आपको बता देंगे कहाँ से डाउनलोड करना है। तो ये www.apsc.nic.in का जो वेबसाइट है वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। वहाँ पे जो नाम लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म DR, यहाँ पे हम आपको इसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, तो आप वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ी के बारे में जहाँ तक हमको बात करना है, तो जनरल कैटेगरी का 250 रुपये, 250 रुपीज़ ओनली है। तो यहाँ पे फॉर्म जो है वो इनका चलान बनाना है, देखिए ट्रेजरी चलान इन द हेड ऑफ अकाउंट नॉन टैक्स रेवेन्यू अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू 00051 PSC, ये नाम से चलान इनका बनेगा। और इसकी जो लास्ट डेट है वो फ्रेंड, इसकी जो लास्ट डेट है वो 8 फरवरी 2019 तक ये फॉर्म पहुंच जानी चाहिए इनके ऑफिस आवर के टाइम में, जो 5 बजे तक होता है ऑफिस आवर, इनके ऑफिस आवर के टाइम में पहुंच जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग अब बात करेंगे इनके फॉर्म फिलअप का। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। रिटेन यहाँ पे जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो रिटेन और इंटरव्यू दोनों होगा, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इन लार्ज, मतलब ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगा इनके पास, तो ये ज़्यादा फिर ये रिटेन टेस्ट लेंगे, अन्यथा ये जो है OMRC टेस्ट ले सकते हैं ड्यू कोर्स के, जो भी कोर्स हो इनका, जैसे एग्रीकल्चर के बारे में
मिलेंगे। ये स्कूटनी के बारे में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब इनका हम लोग फॉर्म देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी आप कैंडिडेट हैं, अपना एफओ का प्रिपरेशन हो चुका है, फिर से हम लोग तैयारी करेंगे, लेकिन इसके बीच में जो भी एग्ज़ाम आपके आते हैं उनका फॉर्म फिलअप आप ज़रूर कीजिए। वहाँ पर उनका तो हम लोग जो उनका फॉर्म है हम देख लेते हैं। फॉर्म इनका तो फॉर्म इस तरह बनाया गया है, आप इनकी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिलअप कर लेंगे। ये 4 पेज का है, आप वहाँ से प्रिंट आउट करेंगे, इनके साथ एडिशनल क्वालिफिकेशन लगाएंगे और ये भेज देंगे सीधा आसाम, जो वहाँ पे एड्रेस दिया है उनके बारे में। हम लोग देख लेते हैं इनका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो फ्रेंड्स एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह से है, जो प्री होगा, पेपर 1 होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और ये 100 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का। इसमें से पूछा क्या जाएगा, जो पेपर 1 में है उसमें करंट इवेंट ऑफ नेशनल, इंटरनेशनल एंड स्टेट, फिर जो उनके इवेंट है इंटर स्टेट की, आसाम की, वहाँ के बारे में, इंडियन इकोनॉमी, 5 ईयर्स प्लान जो भी होता है, जो कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका पूछा जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी इंक्लूडिंग इंडियन एंड आसाम, आसाम के बारे में यहाँ पे ज़्यादा इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये आसाम के अंदर काम करवाते हैं, तो इनको आसाम का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो आप एग्ज़ाम देने से पहले आसाम की जो भी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और वहाँ का जो भी कल्चर है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया, ये सब आप जनरल साइंस, जनरल जीए की पेपर में ये पूछा जाता है। पेपर 2 में इनका जो है एज पर बीएससी एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड, आईसीआर स्टैंडर्ड ऑफ एएयू जोरहट, वहाँ पे जो इनका स्टैंडर्ड चल रहा है, जो एग्रीकल्चर वहाँ का है आसाम की, उसके बारे में ये वहाँ की सॉइल, कैसा सॉइल है, कैसा वहाँ का वेदर है, उसके हिसाब से क्या क्रॉप वहाँ पर ली जाती है, उस हिसाब से ये एग्ज़ाम लेंगे। फ्रेंड्स आज हम इतना आपको जानकारी दे पाते हैं, यदि आपको ये जानकारी पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जो हमारे नए एस्पिरेंट हैं उनको तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी और भी नोटिफिकेशन जो वैकेंसी है मैं आपको साथ साथ देते रहूँगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय जवान जय।